हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि जो मुझे आपसे बात करनी है वो उसी से रिलेटेड है। मैं पिछले 7 साल से, 2017 से सिर्फ कंटेंट बनाता हूं, उसके अलावा, और सिर्फ अपने लिए बनाता हूं, उसके अलावा मेरी कोई दुकान नहीं है, कोई प्रोडक्शन सर्विसेज नहीं है, कोई और धंधा नहीं है। दिस इज़ द ओनली थिंग आई डू। मैं कभी कभार किसी वीडियो में कहता हूँ कि मैं प्रो क्रिएटर हूँ, तो लोग नाराज हो जाते हैं कि तू कैसे कह रहा है, तू प्रो है। हम बताएंगे, प्रो का मतलब ये होता है कि यही काम है मेरा, आई एम अ प्रोफेशनल क्रिएटर। तो ये जो 7 साल से दुकान चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स आए हैं गए हैं। एक टाइम आता है कि सब लोग एक चीज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर लोग इवॉल्व नहीं कर पाते। तो इस तरह मैंने काफ़ी सारे ट्रेंड्स आते जाते देखे, लेकिन मेरा इस पूरे जर्नी में एक मोटो बन गया, मोटो मतलब नस्बुल ऐन बन गया, और उसको फॉलो करते करते अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अल्लाह ने पूरी नहीं कराई हो। चाहे वो मटेरियल ख्वाहिश हो, किसी चीज़ की, किसी गाड़ी की, कोई ऐसी मटेरियल चीज़ की ख्वाहिश हो, या किसी और चीज़ की ख्वाहिश हो कि मुझे इस मकाम पे पहुंचना है, ये है वो है, ये सब इसी के थ्रू हुआ है। तो वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मेरी लाइफ ऐसी है कि अगर 10 साल पहले मुझे कोई जादू की किताब देता और कहता कि इसमें लिखो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, तो ये जो मेरी लाइफ है ये मैं लिख भी नहीं पाता। तो दिस इज वे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। तो जो सीक्रेट है वो बड़ा ही सिंपल सा है, और उसके 3 पार्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो आई होप कि आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तो सीक्रेट ये है कि मैं बहुत दफ़ा बोलता हूं, अगर टैटू करवाने की इजाज़त होती तो मैं यही टैटू करवाता, वो है सर नीचे काम ऊपर। ये है बड़ी सिंपल सी चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन दिस, ये जो 4 अल्फाज हैं, दे हैव लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। तो इससे सबसे पहले हम इसके पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि ये जो सरफेस लेवल बात है वो क्या है। वो बात ये है कि आप जैसी उम्र के बहुत सारे बच्चे रोल रहे होते हैं DM में, ईमेल में, हम टैलेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हमारे साथ कोलैब कर लें, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आवाम को तो अजीब सी चीज़ें देखनी हैं, और ये सारी बातें। मैं इस बात का बहुत फर्म बिलीवर हूँ, बहुत पुख्ता यकीन है मेरा कि ये सारी बातें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें आप बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपका काम उस लेवल पे नहीं। मैंने हमेशा ये कोशिश की है, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं जाके बोलना ना पड़े, मेरा काम मेरे लिए बोले। जिस तरह वकार भी कह रहा था अभी, मैंने आज तक 7 साल में 3 से 4 दफ़ा किसी क्लाइंट को पिच किया है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, और वो भी ख़राब ही एक्सपीरियंस गया है। बाकी 7 सालों में जो भी काम है वो खुद ही चल के आया है, जो कि बहुत ही मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं सिर्फ घर में बैठा हुआ वीडियो बना, मेरा कोई ऑफिस नहीं, तो मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करता हूँ। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा सा शाय हूँ, थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ, अजीब सी बात है, इतने सारे लोगों के सामने शाय नहीं हूँ, 4-5 लोग आके मिलेंगे ना, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ इस वजह से हुई है कि मैं, मेरे हाथ में है सिर्फ मेहनत करना। मैं अपने स्किल्स पॉलिश करता हूँ, मैं नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि फॉलोइंग मेरे हाथ में नहीं है, कितने फॉलोअर्स हो गए, कितने नोट आ रहे हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि मेरी वीडियो, मेरी जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, उसमें मैं सबसे बेहतरीन वीडियो बनाऊँ। और अपने काम के साथ मैं इंसाफ करूँ। जब मैं वीडियो पब्लिश करके रात को सोता हूँ तो मुझे एक दिली सुकून होता है कि आई डिड माय बेस्ट। आगे मेरा, मुझे नहीं ज़्यादा एल्गोरिथम का मुझे नहीं पता है, एनालिटिक्स टैब में तो मैं जाता ही नहीं हूँ, उसको तो देख के ही मुझे टेंशन होती है। आज अक्रम भाई ने पूछा आपका CPM क्या है, मुझे नहीं पता मेरा CPM क्या है, मैं नहीं देखता वो चीज़। तो पॉइंट नंबर 1, लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर टू, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, ये भी सर नीचे काम ऊपर है लेकिन इसकी ये थोड़ी दूसरी मंजिल है, वो ये है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो अभी जो धोखे की एक ही डेफिनेशन होगी शायद आपकी लाइफ में, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे धोखे खाएंगे आप। किसी ने बुराई कर दी, किसी ने आपका काम मार लिया, किसी आपने काम किया किसी और ने क्रेडिट ले लिया, तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होंगी। तो इसमें मेरे साथ भी हुई हैं, करीबी दोस्तों ने किया है, कॉलीग्स ने किया है, को क्रिएटर्स ने किया है, और उसमें मैं एक ऑप्शन तो ये है कि बैठ जाऊँ यूं करके, ये ना बुरा हो गया, ये ना इंसाफी हो गई, या फिर दूसरी चीज़ ये है, और ये आजमाई हुई बात, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने आजमाया हुआ है कि आप जब कोई आपके साथ बुरा करता है और आप बदला लेते हैं अपनी कैपेसिटी में, सबसे हल्का बदला तो यही है कि आप 100 लोगों के सामने बुराइयां कर रहे हैं, तो जब आप बदला लेते हैं तो कुदरत की निज़ाम में 0-0 हो गया भाई, उन्होंने भी बुराई की आपने भी बुराई की, 0 हो गया। लेकिन अगर आप खामोश हो जाते हैं ना, तो फिर आपका बदला लेती है कुदरत, और भाई कुदरत बहुत बारीक पीसती है। तो मेरे जितने बदले हैं मैं खामोश हो जाता हूँ और मैं सर नीचे रखता हूँ और कुदरत मेरा हिसाब किताब बराबर कर देती है। बाकी लास्ट चीज़, यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, आई नो पैसा ज़रूरत है, पेट लगा हुआ सबके साथ, सबको पैसे कमाने हैं, तो आखिरी जो मैं बात करूँगा वो बिल्कुल थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 7 साल से अल्लाह का शुक्र है किचन तो चल रहा है, तो वो बात बिल्कुल डीप लेवल की है, सर नीचे काम ऊपर गई है लेकिन सबसे गहराई वाली लेयर है, वो ये है कि हिंदू माइथोलॉजी में एक सेइंग है कि, और वो इट हैज़ अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, कि कर्म किए जाओ फल की परवाह मत करो। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है। आप में से जिसको भी कंटेंट क्रिएटर बनना है, 6 महीने के लिए सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये इतने 100, 300, 400, 500 लोगों के सामने गारंटी दे रहा हूँ, 6 महीने के लिए व्यूज़ को मत दे, सिर्फ ये देखो कि भाई मैं सबसे बेहतरीन वीडियो बनाऊँगा जो मुझे बनानी। आप में से ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं, मैंने बहुत लोगों के करियर शुरू होते हुए देखे, ख़त्म होते हुए देखे, ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यार आवाम में तो ये चल रहा है, यार आवाम को तो ये देखना है, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि आवाम की पसंद यूं करके बदलती है। तो आज आप रेलेवेंट हैं, 6 महीने बाद नहीं होंगे, फिर 6 महीने के बाद आपको दोबारा अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते घर जाके सर्च कीजिएगा, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप कोई इंट्रोडक्शन पूछेगा तो वो बता देंगे, एक सेंटेंस में बता देंगे कि ये इरफान साहब हैं, ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि वो मेरा ब्रांड बन चुका है। मुझसे पहले खातून भी कह रही थी, वो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो मेरा ब्रांड है। लेकिन अगर आप हर 6 महीने में आपका कोई नया ही फ्लेवर मार्केट में आ रहा है तो क्या ब्रांड है आपका? आपको पता है कि जब आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, एक्सपीरियंस विल बी द सेम। आपको पता है कि जब आप फलां जगह का कोई कपड़ा लेते हैं, एक्सपीरियंस वही मिलेगा। लेकिन अगर हर दफ़ा ही कोई नई चीज़ मिलती है, हर दफ़ा ही आपको उस बंदे को, आप भाई 6 महीने तो इसकी पर्सनालिटी कुछ और थी, 6 महीने पहले ये फ़नी वीडियोज़ बनाता था, आज ये पॉडकास्ट में बैठ के गहरी गहरी बातें कर रहा है, ये क्या क्या सीन है इसका? तो प्लीज़ 6 महीने के लिए व्यूज़ को हटा दें। आपको कुछ तो बनाना होगा, कुछ तो आपका दिल चाहता होगा कि यार मुझे ये जब मैं बनाता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, भाई व्यूज़ भाड़ में डाल दो, मुझे ये बनाते वक्त जो प्रोसेस है ना, रिजल्ट्स को आप साइड पे कर दें, आई लव द प्रोसेस। तो जो प्रोसेस आपको सबसे ज़्यादा जॉय देता है ज़िंदगी में, चाहे वो कॉन्टेंट क्रिएशन हो, चाहे वो कंसल्टिंग हो, वो आपकी ट्रू कॉलिंग है। उसमें अगर आप कम पैसे भी बनाएंगे, आजमाई हुई बात है, आप बहुत खुश रहेंगे, राधा देन वो काम करना जिसको करने के लिए आपको बिस्तर से घसीटना पड़ता है कि चलो आज ये काम करना पड़ेगा। तो ये है 3-step formula which has changed my life।
और आई होप आप अगर ये अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। एंड में जाते हुए क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ, बहुत दफ़ा पिविट करने की कोशिश भी की है कभी कभी की, पिविट मतलब व्हेन यू ट्राई अ न्यू थिंग, तो मैं आपको दो स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप बेहतरीन कंटेंट बना सकते हैं। ये एवरग्रीन प्रिंसिपल, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। पहला वाला है थोड़ा एवरेज, एवरेज भी बहुतों से अच्छा है, वो ये है कि मेक व्हाट यू वांट टू वॉच। आपको जो देखने में मज़ा आता है ना, जो आपका दिल चाहता है कि यार ये होना चाहिए, वो आप बनाइए। मेरे लिए जब मैंने शुरू किया वो व्लॉग्स थे, उस टाइम पे पाकिस्तान में जितने व्लॉगर थे उनको शायद आप एक हाथ पे गिन लो। अगर मैं उस वक्त ये सोच लेता कि नहीं यार आजकल तो स्किट्स फनी वीडियोस बनानी है हमने, तो मैं आज शायद आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो पहला स्टेप तो ये है, मेक व्हाट यू वांट टू वॉच, ये एवरेज। दूसरा है अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स, वो है कि मेक व्हाट यू वांट टू वॉच बट दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट येट। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपका देखने का दिल चाहता है, कभी दिमाग में ख्याल आया है कि यार दिल चाह रहा है ये देखने का, बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आई विल गिव यू, थोड़ा मुश्किल है समझना, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मुझे बचपन से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था कि यार गोली मार का क्या मतलब है, गोली मार क्यों है नाम भाई, इलाके का नाम गोली मार, चौरंगी का नाम है नागन चौरंगी, एक बस स्टॉप है उसका नाम है 2K, क्यों है ये। तो इसके ऊपर मैंने कहानियाँ बना दी और उन कहानियों ने मुझे कलेक्टिव, अगर हम पैसों की बात कर ही रहे हैं तो कम से कम इन्हीं कहानियों ने मुझे 40-50 लाख रुपए कमा के दिए हैं। यही कहानियाँ, ये मेरी इजाद की भी नहीं है, लेकिन मुझे ये सुननी थी तो मैंने खुद भी सुनी, दूसरों को भी सुना दी। लास्ट एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स अगर आप में से सबके पास है, जिसके भी पास है वहाँ पर जाके सर्च कीजिएगा स्ट्रीट फूड एशिया और सर्च कीजिएगा शेफ्स टेबल, ये खानों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मेरा दिल दुखता था कि यार मेरे शहर, मैं कराची से हूँ, मेरे शहर का भी खाना इतना अमेजिंग है और उसको साउथ एशिया का फूड स्ट्रीट फूड कैपिटल कहते हैं, तो ये कहानियाँ मेरे शहर की क्यों नहीं है। मैंने बनाई वो कहानियाँ, मैंने स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर बनाई, मैंने स्टोरी ऑफ अ कराची रोल बनाई। अब आई टेल यू व्हाट हैपेंड और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर बनाई, उस तरह की चीज़ मैंने पहले पाकिस्तानी यूट्यूब पे नहीं देखी थी, तो ये तो आप भूल ही जाओगे, ये चलेगा नहीं चलेगा, मैंने नहीं सोचा, मैंने अपने लिए बनाई स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर। बहुत थोड़े से पैसे मिले, वो एक ब्रांड ने स्पॉन्सर की, वो एक केस स्टडी आ गई, वो मैंने पिच किया वही आइडिया एक बिगर ब्रांड को, उन्होंने मुझे स्टोरी ऑफ अ कराची रोल बनाने के लिए दिए 28 लाख रुपए, व्यूज़ 3-4 लाख ही हैं उस पर। वो वीडियो देखी यूट्यूब के किसी एशियन हेड ने, उन्होंने मुझे बोला हमारा इवेंट हो रहा है कराची में, आप आइए और हमारे लिए एक वीडियो बनाइए और इसी तरह स्टेज पर प्रेजेंट कीजिए। वही वीडियो, रोल वाली वीडियो देखी, वो वीडियो बनाने के उन्होंने मुझे दिए £10,000 और अभी मैं उस प्रोग्राम का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी वो आया नहीं है, लेकिन यही पीछे वाली जो वीडियो मैंने बताई, यही वीडियो देख के एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म ने मुझे बोला कि आप हमारे लिए वीडियोस बनाइए और उसके लिए हम आपको देंगे 1 करोड़ रुपये। ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था, कोई फ्लेक्स नहीं है, पैसे अक्सर लोग बताने में थोड़े घबराते हैं, मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी के लिए और इसलिए कि अगर मैं वो पहली वीडियो नहीं बनाता अपने लिए, अपनी दिली खुशी के लिए, तो मैं आज यूट्यूब के रेवेन्यू पे ही शिकायत कर रहा होता कि यार पाकिस्तान में CPM बहुत कम है, यार यहाँ पे इतने कम मिलते हैं। तो जाते जाते थैंक यू, तो जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अपने लिए काम करो, अपनी खुशी के लिए कुछ बनाओ, वो उसमें जो तुम्हें
एक तो काम तो वैसे ही खूबसूरत होगा, लेकिन उसमें जो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जॉय मिलेगी, वो व्यूज़ के पीछे भागने की जो मिजरी है, पैसों के पीछे भागने की जो मिजरी है, उससे लाख गुना बेहतर है। और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। दैट वॉज इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।